को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि गोल्फ टूरिज्म एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट फेसेट है टूरिज्म का। आपने हर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की, एडवेंचर टूरिज्म खासकर युवा इसमें रुचि रखते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसके लिए कब काम करना स्टार्ट करें? हमने इसमें काम कर दिया हुआ है। मैम लास्ट मैसेज क्या रहेगा यहाँ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए मैसेज? कुछ सभी युवाओं को मेरा यही मैसेज है कि सभी बढ़ चढ़ कर जहाँ भी मौका मिलता है अपने जम्मू टूरिज्म को जो है डेफिनेटली शोकेस करें, जम्मू टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने क्योंकि अस डोगरे आखने शाना कहना और हमें अपनी शान जो है उसको बढ़ाने में सबका सहयोग चाहिए। Amarjit Singh ji, Sunaina ji, thank you very much. Manoj ji, fantastic golf course, great job done. You have participated in this tournament, not only outside the golf course, but with great enthusiasm. All the member golfers and all the golfers of Jammu, they have keenly watched this tournament for the entire 4 days. I am really thankful to all of them. So we'll be announcing the runner-up to begin with, and I would request all the dignitaries on the stage to kindly do the honors by jointly giving away the prize to the runner-up. Being presented the championship trophy in the world. And thanks to all my friends, Uttam sir, Gagan, Jimmy, and Sambha sir. Thank you, Sambha sir. Thank you very much. It's an honor for me to be here amongst all of you. And my big congratulations to OP. You are a budding golfer and you will represent this country. You will make name for not only for you, but for the country. I'm proud to be with you and this tournament because last 22 years also we are playing, especially me, I'm playing golf. And last 3 years, I'm also witness to this event. This is third event in J&K when PGTI is organizing tournament here. आज गोल्फ कोर्स जम्मू का क्लोजिंग सेरेमनी था। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सेक्रेटरी गोल्फ कोर्स जम्मू, उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था उसके बारे में जानेंगे कैसा रहा और आगे के लिए इनके क्या प्लान है खासकर जम्मू गोल्फ कोर्स का। सर आपका स्वागत है यंग बॉयस में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मुबारकबाद कि आपका यहाँ पे बड़े लेवल पे जो टूर्नामेंट था आज जम्मू गोल्फ कोर्स का खासकर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बस ये जो 4 दिन से चल रहा था टूर्नामेंट आज ये ख़त्म हुआ और बहुत खुशी महसूस हो रही है। एक सेटिस्फेक्शन है कि ये टूर्नामेंट पूरी अच्छे तरीके से यहाँ ख़त्म हुआ। बहुत अच्छी गेम रही क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गेम, बहुत अच्छी गेम रही। गोल्फर्स ने बहुत इसको एंजॉय किया, जो 126 ईच एंड एवरी पार्टिसिपेटेड, जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सब ने गेम को बहुत अच्छा लाइक किया, उन्होंने गोल्फ कोर्स की बहुत तारीफ़ की। और ये जो 2 दिन लाइव गया हमारा ये टूर्नामेंट ABP लाइव पे और यूरो स्पोर्ट्स पे, उससे जम्मू तवी गोल्फ कोर्स के मैप, एक इंटरनेशनल मैप में इसको एक जगह मिली और
जो था ये टूर्नामेंट बड़े अच्छे तरीके से ख़त्म होने के बावजूद ये मिस्टर ओपी ने ये टूर्नामेंट जीता और आप इसका इस रिस्पांस देख सकते हैं कैसा रहा। सारे गोल्फर्स जो हमारे मेंबर्स हैं जो यहाँ गोल्फ खेलते हैं जम्मू में, इसको हर दिन इसको फॉलो किया, लास्ट तक इसको फॉलो करते रहे। और आज ये टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, JKTDC ने यहाँ पे एक डोगरी फूड फेस्टिवल, उसको भी डोगरी कुजीन को हमारे गोल्फर्स ने बहुत पसंद किया जो बाहर से आए हैं, और अच्छी मेमोरीज लेके जाएंगे हमें उम्मीद है। आई एम वेरी थैंकफुल टू टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड UTFJ&K कि जिन्होंने PGTI टूर्नामेंट सेकंड स्टेट ईयर में यहाँ पे पॉसिबल हुआ। सर, नेशनल लेवल पे तो आपने जम्मू गोल्फ क्लब को तो आपने लिया है, मगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसको करना है, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी यहाँ पे आए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा जम्मू गोल्फ क्लब को, तो और उस क्या कार्रवाई चल रही है आगे? हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। एक तो मैं ये क्लैरिफाई करूँ कि जो इसमें 126 पार्टिसिपेंट्स थे वो सिर्फ इंडिया से नहीं थे, हिंदुस्तान से नहीं थे, बाहर से भी प्लेयर्स थे। कुछ प्लेयर्स बिजी थे क्योंकि एशियन टूर चल रहा था, बाकी जगह टूर्स चल रहे थे, अदरवाइज बाहर से प्लेयर्स बड़े कीन थे यहाँ आने के लिए। कैनेडा से प्लेयर थे, श्रीलंका वगैरह से प्लेयर खेल रहे थे यहाँ पे। तो अब ये PGA का एक टूर होता है, हमारी कोशिश है क्योंकि हमने अब ये देख लिया कि ये टूर हमारा गोल्फ कोर्स बिल्कुल रेडी है किसी भी इससे भी बड़े इवेंट को होस्ट करने के लिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी टूरिज्म डिपार्टमेंट से, UTFJ&K से, अगर उनकी मदद मिली, उनकी सपोर्ट मिली, तो नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि यहाँ बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा। सर, J&K गवर्नमेंट खासकर टूरिज्म तो आपको सपोर्ट कर ही रही है, इस बार हमने देखा कि टूरिज्म ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आपको सपोर्ट किया, उसके बगैर भी जो UT जो गवर्नर साहब हैं, LG साहब हैं, उनका कितना योगदान रहा इसमें, इस टूर्नामेंट को कराने में? मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारा जो गोल्फ कोर्स है उसमें जो चेयरमैन है वो LG साहब हैं, इस गोल्फ कोर्स के चेयरमैन LG साहब हैं, और CEO सेक्रेटरी टूरिज़्म है। मैं तो सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे जो डे टू डे संभालता हूँ बिज़नेस, बट सेक्रेटरी टूरिज़्म जो है वो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और LG साहब इसके चेयरमैन हैं। जो भी डिसीजन होता है वो उसी लेवल पे होता है, और उन्होंने बहुत कीन, जब यहाँ गोल्फ एकेडमी खोली गई तो उनको ये था कि इस गेम को बच्चों तक पहुँचाना, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों तक पहुँचाना उनका ये विजन था, और उन्होंने दो गोल्फ अकेडमीज़ की अनाउंसमेंट की थी, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में। और वो गोल्फ अकेडमीज़ जब खुली तो उसके बाद हमारी ड्राइविंग रेंज इज़ अवेलेबल फॉर अ फी ऑफ 100 rupees टू ईच एंड एवरीवन हु वांट्स टू लर्न गोल्फ। सिर्फ 100 rupees देके वो गोल्फ अकेडमी में एंटर कर सकता है और गोल्फ सीख सकता है, ये उन्हीं का विजन था। और उन्होंने जब गोल्फ अकेडमी खोलने आए थे तो इनॉग्रेशन की थी, उसी टाइम उन्होंने अनाउंस किया था कि PGTI लेवल का टूर्नामेंट जम्मू में होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, उसी का ये हुआ कि ये दूसरी बार लगातार चल रहा है। लास्ट सवाल, आने वाले वक्त में कब तक गोल्फ कोर्स जम्मू इंटरनेशनल लेवल पर आएगा? मुझे तो लगता है आ चुका है, मैं तो कहूँगा कि आ गया है, स्पेशली इस टूर्नामेंट के साथ, और आने वाले वक्त में देखेंगे कि प्रोग्रेस हम आगे ही बढ़ेंगे। अगर आपकी सपोर्ट रही, आपकी मदद रही, हमारे गोल्फर्स की मदद रही, प्लेयर्स की मदद रही, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गेम, गेम को आगे बढ़ाना है, अगर सबकी हमारी सपोर्ट मिली, UT की सपोर्ट मिली, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिली, तो हम आगे ही बढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सर। अमेजिंग जम्मू, ये वर्ड आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट जम्मू के लिए, खासकर टूरिज़्म के लिए, जम्मू टूरिज़्म डिपार्टमेंट कितनी कोशिश कर रही है, वो आपको चाहे वो कोई भी इवेंट्स हो, चाहे मेले हों, आज यहाँ पे गोल्फ कोर्स में जो गोल्फ का टूर्नामेंट था और गोल्फ का जो टूरिज़्म, उसको भी बढ़ावा देने में और इसमें भी काफ़ी मेहनत करके आज उन्होंने, खासकर जम्मू टूरिज़्म ने ये दिखाया है कि सचमुच जम्मू हमारा जो है अमेजिंग है। मैम, आपको सबसे पहले मुबारक है, आप जो आप गोल्फ टूरिज़्म, पहले बहुत से टूरिज़्म को आपने हाईलाइट किया है, खासकर जम्मू में, आज आपने गोल्फ टूरिज़्म को और एक और जगह बना दी जम्मू टूरिज़्म के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरे को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि गोल्फ टूरिज़्म एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट फेसेट है टूरिज़्म का, और टूरिज़्म जो है जिस तरीके से जम्मू जो है वो पिलग्रिमेज टूरिज़्म के लिए तो फेमस है ही है, हमारी पुरजोर कोशिश है कि एडवेंचर टूरिज़्म और गोल्फ टूरिज़्म इसको करके हम एक डिफरेंट डेस्टिनेशन, डिफरेंट लेवल पे जो है वो जम्मू टूरिज्म को लेके जाए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे ये 126 गोल्फर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आए हैं, उनको एक हमारे कल्चर के बारे में रूबरू कराने के लिए हमने यहाँ पे पूरा कल्चरल प्रोग्राम रखा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं डोगरी फूड फेस्टिवल जिसमें खमीरे, माँ का मदरा, राजमा चावल, खट्टा मीट और बहुत सारी डिशेस जो है, मालपुए, ये सब लोगों को, मीठे चावल, ये सब ये लोग खा के उसको जायका ले रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारा डोगरी फूड जो है उसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला। उसके साथ साथ जो चिनाब रेल ब्रिज है जो हमारी मेन रोलिंग ट्रॉफी में फीचर हुआ है क्योंकि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये कोशिश भी
व्यूअर्स को पता लगे कि ये डेफिनेटली, और वो हमारे माउथ पब्लिसिटी से ब्रांड एम्बेसडर्स बन रहे हैं इन अ वे, मैं ये कहूँगी इस गोल्फ टूर्नामेंट से। और इसके अलावा जो सोविनियर्स दिए गए हैं, आरएसपुरा के चावल, भदरवा के राजमा, किश्तवाड़ का केसर, लेवेंडर, ये सारी चीज़ें उनको सोविनियर के रूप में दी जा रही है। बसोली पेंटिंग उनको सोविनियर के रूप में दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो जम्मू रीजन की पूरी खूबसूरती है, उसकी रिचनेस है, उसको हमने इस गोल्फ टूरिज्म के साथ जो है वो मिला। मैम आपने यहाँ पे बात भी की खासकर लेडीज गोल्फर्स के लिए, उनको आप यहाँ लाना चाहिए, क्या लगता है कितनी देर में आप, खासकर टूरिज्म का तो इसमें खास रोल है, कब तक उनको यहाँ पे गोल्फ का हम देखेंगे कि आने वाले समय में लेडीज गोल्फर भी यहाँ खेलेंगे? बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि लेडी गोल्फर्स भी यहाँ पे, उनकी टूर्नामेंट भी जो है बहुत जल्दी लोग यहाँ पे विटनेस करेंगे। मैम एडवेंचर टूरिज्म, आपने हर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की, एडवेंचर टूरिज्म खासकर युवा इसमें रुचि रखते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसके लिए कब काम करना स्टार्ट करें? हमने इसमें काम कर दिया हुआ है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं जहाँ पे पैराग्लाइडिंग का, वाटर राफ्टिंग का बहुत सारा स्कोप है, उन वाटर बॉडीज का सर्वे हो चुका है, बहुत जल्द हम आपके सामने वो डिटेल्स लाएंगे। और जो यूथ हमने इन्वॉल्व करने हैं उनके साथ भी हमारी बात हुई। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग्स के लिए यूथ आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू हैव पैराग्लाइडिंग पायलट्स फ्रॉम जम्मू ओनली। सो दिस इज द वे वी आर वर्किंग एट। मैम लास्ट मैसेज क्या रहेगा यहाँ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैसेज? सभी युवाओं को मेरा यही मैसेज है कि सभी बढ़ चढ़ कर जहाँ भी मौका मिलता है अपने जम्मू टूरिज्म को जो है डेफिनेटली शोकेस करें, जम्मू टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने, क्योंकि अस डोगरे आखने शाना कहना है और हमें अपनी शान जो है उसको बढ़ाने में सबका सहयोग चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। जम्मू गोल्फ टूर्नामेंट का जो आज जो था क्लोजिंग सेरेमनी थी, जिसमें टूरिज्म जम्मू कश्मीर टूरिज्म, खासकर जम्मू टूरिज्म का जो उनका सपोर्ट था उसको लेकर हमने सुनैना मेहता जी से, जो जॉइंट डायरेक्टर जम्मू टूरिज्म की है, उनसे बात की, जिनका ये कहना है कि हमने जो गोल्फ टूरिज्म का कराने का मकसद था इसमें ये था कि जम्मू के जो कल्चर है, जम्मू का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए ये जो गोल्फ टूर्नामेंट था इसको कराया गया, जिसमें न सिर्फ जम्मू की कुजींस, न सिर्फ जम्मू का कल्चर, बल्कि जम्मू के जो टूरिज्म स्पॉट्स वगैरह जो भी जम्मू टूरिज्म के रिलेटेड था उसको प्रमोट करने के लिए गोल्फ टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।